हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर ममता राठी आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं मास्टर बजट मास्टर बजट के सॉल्व प्रॉब्लम में हमने इसके पहले एक प्रॉब्लम देख लिया था जिसमें हमने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट को निकाल दिया था आज के प्रॉब्लम में हम लोग एक अलग फॉर्मेट में हमारी मास्टर बजट को प्रेजेंट करेंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम के साथ एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ़ मारुति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ मास्टर बजट फॉर द ईयर 2020 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम देख लेते हैं सेल्स मारुति मॉडल ए फिफ्टीन लैक मारुति मॉडल बी ट्वेंटी फाइव direct material cost 60% of sales direct labor cost 20 workers at the rate rupees 750 per month factory overheads works manager rupees 2500 per month foreman rupees 20000 per month stores and spares 2.5% on sales depreciation on machinery 63000 power 25000 repairs 40000 अदर सन टेन परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू बी रुपीज़ सेवेंटी थाउजेंड पर एन एम तो फ्रेंड्स हमारे पास जो इंफॉमेशन है यहाँ पर हमें सेल्स फॉरकास्टिंग दिख रहा है साथ ही साथ हमें यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट का भी फॉरकास्टिंग दिख रहा है और सेलिंग uh, एडमिनिस्ट्रेशन uh, और डिस्ट्रीब्यूशन uh, एक्सपेंसेज भी हमें दिख रहे हैं मास्टर बजट जब भी भी हम बनाते हैं तो मास्टर बजट एक कंसोलिडेशन होता है हमारे सारे फंक्शनल बजट्स का तो ये वाले प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा तो हमारी सारी फंक्शनल बजट को एक करना होगा और उसे हमें हमारा मास्टर बजट निकालना होगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमारे मास्टर बजट का हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे हमारी मास्टर बजट ऑफ मारुति कंपनी लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड टू अब हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो तीन कॉलम में बनेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट के दो कॉलम इसलिए बनाए गए हैं कि जो इंटरनल हेड्स हैं उन्हें हम इंटरनली एडजस्ट कर सकें और जो टोटल तो बनेगी उसे हम आउटर कॉलम में ले सकें तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है सेल्स बजट की जो कि सेल्स बजट का फर्स्ट हेड हम हमारी मास्टर बजट में लिख देंगे तो फर्स्ट हम लिख देंगे ए हेड सेल्स बजट जिसमें हम लिखेंगे मारुति मॉडल ए का जो सेल्स हमें दिया है वो है फिफ्टीन लाख का एंड मॉडल बी का सेल्स जो है वह है ट्वेंटी फाइव लाख का यानी कि टोटल जो सेल्स है हमारे ए एंड बी मॉडल के मिलकर वो है फोर्टी लैक्स के तो हमारा जो ए हेड है सेल्स बजट उसके अमाउंट आ जाती है फोर्टी लैक्स जिसे हमें आउटर कॉलम में लिख दिया है अब सेकेंडली हम लिखेंगे बी हेड हमारा जो कि है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बजट अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस होते हैं उनको हम लेते हैं यहाँ पर तो हमारे जो डायरेक्ट मटेरियल्स हमें प्रॉब्लम में बताया गया है वो है सिक्सटी परसेंट ऑफ़ सेल्स अब हमारा जो सेल्स है वो है फोर्टी लैक्स का फोर्टी लैक्स पर सिक्सटी परसेंट कितना होता है तो वो होता है ट्वेंटी फोर लैक्स का तो डायरेक्ट मटेरियल्स जो है वो हम ले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स सिक्सटी परसेंट ऑफ़ सेल्स ट्वेंटी फोर लैक्स के एंड डायरेक्ट वेजेस जो हमें बताए गए थे वो डायरेक्ट वेजेस में ट्वेंटी वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनको हम सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ पर मंथ चार्ज दे रहे हैं तो ट्वेंटी वर्कर्स की पर मंथ की सैलरी को हमें पर एनम में कन्वर्ट कर देना है तो डायरेक्ट वेजेस जो है उन्हें हमें करना है ट्वेंटी इंटू सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी इंटू ट्वेल्व यानी कि ट्वेंटी वर्कर्स को ट्वेल्व मंथ्स के लिए सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी की वेजेस हमें मिल रही है तो इसका कैलकुलेशन आ जाता है वन लैख एटी थाउजेंड का तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस जब भी भी हम देते हैं तो हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट जो कि मटेरियल एंड वेजेस का एडिशन हो जाता है वो है प्राइम कॉस्ट हमारी ट्वेंटी फाइव लैख एटी थाउजेंड अब प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालने के लिए हमें हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने लगे हैं यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी होते हैं तो उनको देखना पड़ेगा हमें प्रॉब्लम में उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है तो हम आगे लेके लेंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले हम लेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरिएबल ओवरहेड्स में हमें बताया गया है कि स्टोर्स एंड स्पेयर जो है वो है टू ऑफ सेल्स अब हमारा सेल है फोर्टी लैक्स ,00 का फोर्टी लैक्स ,00 के टू पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो वन लैख ,00 बन जाता है तो हमारा स्टोर्स एंड स्पेयर हम यहाँ पर लिख देंगे वन लाख रुपीज का पॉवर एट्सट्रा हमें दिया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का उसे भी हम यहाँ पर लेंगे साथ ही साथ रिपेयर्स है फोर्टी थाउजेंड के तो हमारे जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो बन जाते हैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर फोर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड तो इसमें हम सारे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स को लिख दिया है अब हम लिखेंगे हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स अब जो फिक्स्ड ओवरहेड्स उन्हें हम लिख देंगे जो कि इनडायरेक्ट लेबर में हमें दिखते हैं तो यहाँ पर हमें बताया गया है वर्क्स मैनेजर अब वर्क्स मैनेजर को हमें बताया गया है कि टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज हम दे रहे हैं पर मंथ को अब जैसे कि हम हमारा प्रॉब्लम एनुअली बना रहे हैं तो इस मंथ की इंफॉर्मेशन को हमें कन्वर्ट कर देना होगा एनुअल में तो वर्क्स मैनेजर के जो एक्सपेंसेस हैं हमारे उसे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व कर देंगे हम तो अमाउंट आ जाएगी हमारी थर्टी थाउजेंड की नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन है फोरमैन चार्जेस की तो फोरमैन को चार्जेस जो दिए हैं वो है ट्वेंटी फोर थाउजेंड के डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें दी गई थी सिक्सटी थ्री थाउजेंड की उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे और जो सनडरीज है वो सनडरीज है हमारे टेन परसेंट ऑफ लेबर के अब हमारे पास लेबर कितने हैं तो लेबर है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस में हमारे पास लेबर की अमाउंट आई है वन लाख एटी थाउजेंड तो वन लाख एटी थाउजेंड के टेन परसेंट होता है एटीन थाउजेंड तो हमारे पास जो सनरीज आएंगी टेन परसेंट लेबर की वो है एटीन थाउजेंड की तो हमारे पास की जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड वो दोनों मिलाकर हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स बन जाते हैं ट्वेंटी उजेंड के अब हमारे इस ट्वेंटी एट लैख एटी थाउजेंड के जो कुछ भी प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स है इनको हम ऐड कर देंगे हमारी सेल्स बजट में यानी कि फोर्टी थाउजेंड में तो फोर्टी थाउजेंड में से हमें इसे माइनस कर देना है अगर हम सेल्स बजट में से हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है उसे माइनस कर देंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल जाएगा क्योंकि सेल्स जितनी हमने की है उसमें से हमें हमारी प्रोडक्शन के लिए कितने चार्जेस लगे हैं उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो टोटल कॉस्ट जो है बी हेड हमारा उस बी हेड में हमारे पास अमाउंट आ गई है ट्वेंटी एट एटी की अब ये ट्वेंटी एट लैख एटी थाउजेंड की अमाउंट जो है वो अमाउंट हम माइनस कर देंगे हमारी ए हेड से यानी कि ए माइनस बी करेंगे हम सेल्स बजट में से प्रोडक्शन कॉस्ट बजट को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ए माइनस बी जो है वो आ जाएगा हमारा एलेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का तो एलेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है लेकिन और एक इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी है तो वो जो एक्सपेंसेस है उसे हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा अब ग्रॉस प्रॉफिट जितना है हमारा उस ग्रॉस प्रॉफिट में हमें क्या करना होगा तो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जो है वो माइनस कर देना होगा उसे माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी नेट बजेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर तो हम नेक्स्ट हेड लेते हैं जो कि हमारा सी हेड है जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट्स को माइनस कर देंगे इसकी अमाउंट हमें दी गई है सेवेंटी थाउजेंड पर एन एम तो हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेट बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर टेन लाख फिफ्टी थाउजेंड का तो मास्टर बजट में हम हमारा नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो कि बजटेड बैलेंस शीट होते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है उस सारी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर कंसॉलिडेट कर दिया है मास्टर बजट जब भी, भी हम प्रिपेयर करते हैं तो मास्टर बजट एक समरी होता है हमारे सारे फंक्शनल बजट की और यहाँ पर समेशन होता है हमारे सारे फंक्शनल बजट का तो यहाँ पर भी हमने हमारे सेल्स बजट को देख लिया प्रोडक्शन बजट को देख लिया फिक्स्ड

सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बजट्स को देख लिया और इन सबको हमने एडजस्ट करके हमारा जो नेट बजटेड प्रॉफिट है उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है तो मास्टर बजट का एक अलग फॉर्म में हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया लास्ट जो प्रॉब्लम था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बजटेड बैलेंस शीट हमने देखी थी इसमें हमने कंसोलिडेटेड फॉर्म देख लिया मास्टर बजट का फ्रेंड्स दोनों तरह के प्रॉब्लम आपको समझ आ गए हैं ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए फ्रेंड्स हम लोग फिर से मिलेंगे मास्टर बजट के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए देखते रहिए शेयर करते रहिए थैंक यू